Hello everyone, my name is Sharad and I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler aur ye meri CAT ke percentile hai. I am going to answer question under the series You Ask Me, We Answer. This question is of arithmetic and asked by when. This question is of removal replacement. Question kya hai? A cask of 10 liters is filled with wine to the brim. A robber takes X liters out of the cask and replaces it with water मल्टीपल टाइम्स. तो रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं? वाटर से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. फिर क्या है? ही डज दिस फोर टाइम्स, एक्स इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क आफ्टर द फोर्थ इटरेशंस. तो यहाँ पे जब ये रिमूवल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होंगे तो हमें उस इंग्रीडियंट पे फोकस करना है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. किसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं? वाइन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. सो वी विल वर्क ऑन वाइन. अब हमें क्या चाहिए? हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइन चाहिए, वो 1 हो गया बिकॉज 10 लीटर्स का वो कास्क है उसमें सिर्फ वाइन ही था. और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइन हमें मिलेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइन इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स. अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें हर रिप्लेसमेंट के केस के लिए मिलेंगे. जितनी बार हम रिप्लेसमेंट करेंगे उतनी बार हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मिलेंगे. और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्या होंगे? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर बिफोर रिप्लेसमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट. ठीक है, तो अब एक के लिए मैं धीरे थोड़ा स्लो बता रहा हूं. एक्स इक्वल्स टू 2 है तो जब इसको रिमूव कर लिया गया, दो स्टेप होते हैं, एक रिमूवल एक रिप्लेसमेंट. रिमूव किया गया तो 10 लीटर था, वॉल्यूम कितना बचा? 8 लीटर बचा. फिर जब इसको रिप्लेस किया गया तब हमारे पास ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, राइट? तो जब रिप्लेस करते टाइम पे मिक्सचर का वॉल्यूम कितना था? 8 था, तो ऊपर 8 आ गया. और जब उसने रिप्लेस कर दिया वाटर, 2 लीटर वाटर डाल दिया, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? मिक्सचर का वॉल्यूम हो गया 10. ओके, तो रिप्लेसमेंट के बाद वॉल्यूम हो गया 10. अब ये हर रिप्लेसमेंट के केस पे होगा. 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 के लिए हो जाएगा रिमूवल के बाद वॉल्यूम हो गया था 6, रिप्लेसमेंट के बाद 10. उसी तरीके से 6 के लिए हो जाएगा 4/10 और 8 के लिए हो जाएगा 2/10. अब इनको सबको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 5 हो गया, ये 2/5 हो गया, ये 3/5 हो गया और ये 4/5 हो गया. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 / 5 raised to 4 which is 625. हमें क्या बताना है? हमें वाइन टू वाटर बताना है. तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइन है, यानी कि ये क्या है? वाइन अपॉन वाइन प्लस वाटर. हमें वाइन अपॉन वाटर बताना है, इसको हम लोग टोटल मान लेते हैं. तो हमें क्या बताना है? वाइन अपॉन टोटल माइनस वाइन, दैट इज 24 अपॉन 625 माइनस 24, दैट इज 24 अपॉन 5 − 4 = 1, 2 − 2 = 0, 5 − 4 = 1 होगा. सो इट इज 601. सो 24 अपॉन 601 आ रहा है. कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. 8 = 4 33 नहीं मैच कर रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है. 16 = 513 ये भी नहीं हो रहा है. दैट मीन्स 16 = 513 करने के लिए हमें इसको 2/3 करना पड़ेगा. 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 से भी मल्टीप्लाई करें, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है तो ये भी नहीं होगा. एंड 12 = 110 भी नहीं होगा. इसी तरीके से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस. सो दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर. एंड आई होप कि सबको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे. एंड इफ़ यू थिंक दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ही बच्चों के, फॉर एग्जाम्पल जैसे वैन है, इनके ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हैं. बट देर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद डाउट्स. वी वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू पोर ऑल देयर डाउट्स एंड वी शुड क्रिएट सच गुड वीडियोज फॉर देम एज वेल. And it is going to be beneficial for the entire lot of students. So please, आप लोग देखते तो हो ही,
इसको शेयर भी करते रहो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द कम्युनिटी, स्टूडेंट्स एज वेल एज एजुकेटर्स. दैट्स इट गाइज, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप आस्किंग एंड एन्जॉय योर डे.